ब्रेक के बाद आपका स्वागत। पुलिस आयुक्तालय नागपुर शहर और सेंट पॉल स्कूल इनके संयुक्त विद्यमान से स्कूल के मैदान में रास्ता सुरक्षा इस विषय पर चित्रकला और घोषणा वाक्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पुलिस आयुक्तालय नागपुर शहर और सेंट पॉल स्कूल इनके संयुक्त विद्यमान से स्कूल के मैदान में रास्ता सुरक्षा इस विषय पर चित्रकला और घोषणा वाक्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में शहर पुलिस आयुक्त भूषण कुमार उपाध्याय, ट्रैफिक सह आयुक्त राज तिलक रोशन और स्कूल के संचालक राजा भाऊ तावसांटे उपस्थित थे। इस प्रतियोगिता में स्कूल के बच्चों ने रास्ता सुरक्षा विषय पर सुंदर चित्र निकाले थे। इस चित्र से उन्होंने संदेश दिया। इस प्रतियोगिता में प्रथम 15 छात्र को पुलिस मुख्यालय में सत्कार करने की जानकारी पुलिस आयुक्त भूषण कुमार उपाध्याय इन्होंने दी। इस अलग पहल के बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, क्या है, विद्यार्थियों में ट्रैफिक रूल के बारे में जागृति पैदा हो और जब विद्यार्थी रोड पे आते हैं तो ट्रैफिक के नियमों का पालन करें, एक्सीडेंट न हो, इसकी जागृति के लिए और इसके उपलक्ष्य में कंपटीशन रखा गया है। यहाँ पे काफी बच्चों ने भाग लिया है और उन्होंने काफी अपने हिसाब से चित्रकला बनाई है, तो इसमें सबसे अच्छे जो चित्रकलाएं होंगी उनको हम पूरे नागपुर शहर में होर्डिंग में लगाएंगे। बच्चों को बख्शीश दिया जाएगा, उनको रिवार्ड दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ताकि बच्चों में एक उत्साह पैदा हो, उनमें जागृति पैदा हो और ट्रैफिक रूल का पालन हो और एक्सीडेंट कम हो। लेकिन हमारे उपाध्याय साहब ऐसी है नागपुर में, जिन्होंने पहले भी हमारे साथ नागपुर शहर में काम किया, कोई भी विजेटर जाए रात के 10 बजे तो भी सबसे फोन पे भी मिलते हैं और स्वयं पे भी मिलते हैं। ये ऐसी एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व जिनको कंटिन्यूस काम रहने के बाद भी, एक पूरी जिम्मेदारी रहने के बाद भी वो ये पब्लिक को मिलते हैं, पब्लिक के साथ रिलेशन रखते हैं। मैं सही में उपाध्याय साहब का बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ कि हमारे छोटे से स्कूल में यहाँ आए, हमारे बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाए, टॉपिक के बारे में उन्होंने बताया, सही में एक स्टोरी के माध्यम से उन्होंने एक कहानी बताया, मैं उनका धन्यवाद मानता हूँ। ऐसे एक बड़े व्यक्तित्व हमारे यहाँ आए, मैं स्कूल के तरफ से स्कूल के बारे में जानकारी हो दिमाग में। आपको मालूम है कि हमारे देश में दुनिया के जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उससे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। कम से कम 1,40,000 लोग हर एक साल रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। केवल महाराष्ट्र में लगभग 35,000 से 36,000 लोग हर एक साल मरते हैं। ये रोड पे मरने वालों की बहुत बड़ी संख्या है और इसमें से 70% ऐसे एक्सीडेंट होते हैं जिसमें ड्राइवर की गलती होती है। इसलिए हम इतने बड़े पैमाने में जो हमारे देश के लोग मर रहे हैं एक्सीडेंट में, उसको रोक सकते हैं। और इन गलतियों को रोकने का एक ही उपाय है कि हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। 3-4 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका अगर हम पालन करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण है कि हम गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं। क्या करते हैं बच्चों? गाड़ी बहुत तेज चलाते हैं। और जो यंग लड़के हैं उनको मालूम होता है कि गाड़ी में केवल एक्सीलेटर ही है, ब्रेक है ही नहीं। लेकिन गाड़ी में बच्चों ब्रेक होता है कि नहीं? उसकी जरूरत है कि नहीं ब्रेक की? तो जहां पे जरूरत हो बच्चों वहां पे ब्रेक भी लगाओ। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।